अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। ये मैंने आज इनके तरह ही नौश व्लॉग्स जो है इनको मैं ट्रिब्यूट पेश कर रही हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ। सिल्वर बटन लिया है इन्होंने, इन्होंने नौश व्लॉग्स के नाम से इनका चैनल है। आई होप कि आप सब पहले से ही इनको जानते हैं। और ये इनके रिएक्शंस हैं जब इन्हें सिल्वर बटन मिला है। ये इनका हैं तिहामी हैं, ये इनका रिएक्शन है जब इन्होंने देखा सिल्वर बटन। और आगे थोड़ा सा इन्होंने अपने इमोशंस का जो इजहार किया है वो खुद ही ये बता रही हैं। जो छोटा सा क्लिप मैंने इनका लिया है वो इसमें डाला है। देखें, खुशी जो है वो फिर चेहरों से दिख जाती है। जब अल्लाह ताला मेहनत का जो है फल अता करता है तो फिर वो वाली खुशी जो है ना उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अल्लाह ताला सब ये है कि बगैर के पॉसिबल नहीं होना था। ये सच है कि अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं होता। और हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज्यादा थी, तिहामी की सपोर्ट बहुत ज्यादा थी, लेकिन रिव्यूज वगैरह मुझे नहीं समझ में आ रहा। आज मेरी बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस है। सिल्वर प्ले बटन को देख के मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, लेकिन मैंने अपने आंसू आने नहीं दिए क्योंकि मैं इतने दिनों के बाद तो तैयार हूँ और बालों में फिर बम फट चुका है। मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला इनको और भी कामयाबियां दे, जल्दी जल्दी से गोल्डन बटन लें और भी तरक्की करें। और अभी इनको नौश किचन रूटीन के नाम से जो इनका चैनल है उस पे भी सिल्वर बटन मिलने वाला है। उस पे एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ इनको। ये मैं बना रही हूँ आज फ्राइड राइस, और वेजिटेबल्स अभी आपको दिखाई हैं जो कट करके रखी हुई हैं। और गार्लिक डाला है, ऑयल डाल दिया है 2 चम्मच, और तकरीबन 1 कप बोनलेस चिकन, 1 प्याली बोनलेस चिकन डाल दिया है। इसको मैं अच्छे से फ्राई करके उसके अंदर जो है कैरेट्स डाल दिए हैं। मतलब इसको फ्राई किया है, जैसे चिकन वाइट हुआ है थोड़ा सा कवर किया है 3 to 4 मिनट्स के लिए। फिर कैरेट्स डाली हैं, उनको तकरीबन 1 मिनट के लिए कवर किया है, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है, मैं थोड़ी लंबी भी खाती हूँ कि अगर बच्चे जो हैं इनको निकालना चाहें तो इजीली निकाल भी पाए। ठीक है, अब ये चीज़ शिमला मिर्चें जा रही हैं, इनको तकरीबन ये 1 कप की सारी वेजिटेबल्स हैं। 1 प्याली कैबेज है, 1 प्याली शिमला मिर्च है, और 1 प्याली जो है वो कैरेट्स हैं, और 1 प्याली की जितना चिकन है, और इसके अंदर जाएगी सोया सॉस तकरीबन इसमें 1/4 कप कह लें आप, इतनी जाएगी। और सॉल्ट इसमें मैं टेस्ट करके डालूंगी। सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो सोया सॉस है वो बहुत सॉल्टी होती है। और राइस जो है वो मैंने बॉईल किए हैं, सॉल्ट डाल के बॉईल किए हैं। तकरीबन 750 ग्राम्स जो थे वो राइस थे, और उनके अंदर 2 टेबल स्पून भर के नमक डाला है, और उनको जो है मैंने बॉईल कर लिया है। ये 3 एग्स बीट करके रखे थे वो मैंने डाल दिए। अभी मैं इसको हिलाऊंगी नहीं, थोड़ा सा रेस्ट दूंगी, हल्का सा लेड रखा है, मतलब समझे कि 10 सेकेंड्स के लिए। फिर उसको हटाया और मिक्स कर दिया है। ठीक है, अभी इसके अंदर जाएगी चीज़ सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद जो है फिर मैं इसके अंदर राइस मिक्स कर दूँगी, और उस स्टेज पे हो जाएंगे जी राइस तैयार। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा अरोमा भी आ जाए राइस के अंदर, तो आप उसको 5 मिनट्स का तकरीबन बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर दम पे रख सकते हैं। मैंने नहीं रखे, मुझे लग रहा था कि बिल्कुल डन हो गए, एंड आई वॉज़ इन हरी बिकॉज आई वॉज़ हंग्री, बड़ी भूख लगी हुई थी। तो फिर मैंने इन्हीं को फाइनल किया और जी खा लिए मज़े के राइस, बहुत अच्छे बन गए थे। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी वेजिटेबल्स आई हुई हैं सीज़न में। सीजनल वेजिटेबल्स जिस तरह से भी खाई जाएँ उनको खा लेना चाहिए। और ये अभी इनकी मिक्सिंग होगी। थोड़े से मैंने राइस रोक लिए थे कि ज़्यादा ना हो जाएं, क्योंकि फिर ज़्यादा राइस अगर हो जाएँ और वेजिटेबल्स ना नज़र आएँ तो भी नहीं मज़ा आता। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता डालते जो हैं राइस डाल ही गए थे। थोड़े से राइस बचा लिए थे फातिमा के लिए, क्योंकि फातिमा को प्लेन राइस खाने होते हैं दाल के साथ, और दाल तो मैंने आज बनाई नहीं। लेट्स सी कि फातिमा अब मेरे साथ क्या करती है, लेकिन अब कुछ करूँगी उसके लिए, देखते हैं क्या करती हूँ। ये बहुत अच्छे से राइस हो गए हैं तैयार। आपसे चाहूँगी इजाज़त।
جہاں رہیں خوش رہیں، اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں، ہنستے پستے رہیں. اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں اور کامیابیاں دے، سب کے بچوں کو اللہ کامیاب کرے، اور جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جو لگے ہوئے ہیں، سوری جو نئے آ رہے ہیں اور جو پہلے سے لگے ہوئے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ترقیاں اور کامیابیاں دے، اور اللہ میرے چینل کو بھی کامیاب کرے. آپ سے چاہوں گی اجازت، پھر کسی اور بلاگ میں کسی اور ریسیپی کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.